अमरोहा मंडी समिति परिसर से नौगावा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना। कोविड-19 गाइडलाइन का रखा गया ख्याल। नौगावा सादात विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मतदान कराने के लिए अमरोहा मंडी समिति से पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अफसरों ने मंडी समिति परिसर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। कल 3 नवम्बर को होने वाले उपचुनाव के मतदान के लिए 489 पोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं। इसके अलावा 10% पोलिंग पार्टियों की ड्यूटी रिजर्व में रहेगी। अमरोहा मंडी समिति से पोलिंग पार्टियों बूथों के लिए रवाना हो गई हैं। रवानगी स्थल पर सभी जोनल सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इनकी देखरेख में पोलिंग पार्टियों को बूथों पर भेजा जाएगा। पुलिस प्रशासनिक अफसर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। डीएम एडीएम एसडीएम प्रेक्षक द्वारा सभी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी मंडी समिति में कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स भी पोलिंग पार्टियों के साथ जाएगा। पोलिंग पार्टियों को बूथों तक भेजने के लिए 133 वाहन लगाए गए हैं, जो निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार रवाना किए जा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों को भी पोलिंग पार्टियों के साथ ही भेजा जा रहा है। हाँ, ये सभी पोलिंग पार्टियों को समय से यहाँ आने के लिए अनुरोध किया गया था। सभी पार्टियाँ आ गई हैं और ये प्रयास किया गया है कि सभी को अलग अलग समय दिया गया है, जिससे भीड़ न हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और सभी पार्टियां अपने निर्धारित बसों में तैयार होकर के अपने सामग्री लेकर के आज ही पोलिंग स्टेशन पे अपने पोलिंग बूथ पे पहुंच जाएंगी और कल सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराएंगे। कोरोना से बचने के लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी को ग्लव्स दिए गए पोलिंग पार्टीज को, उनको मास्क दिया गया है, उनको सैनिटाइजर दिया गया है और साथ ही साथ उनको सबको फेस शील्ड भी दी गई है। और सभी से यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि सभी बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति अपना मतदान न करे और हर व्यक्ति को मास्क अथवा अपना कोई तौलिया, मतलब अपना मुंह बांधने के लिए गमछा आदि प्रयोग करे। और हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है कि सभी के लिए मास्क की, यदि कोई व्यक्ति मास्क के बिना आता है तो उसको मास्क दे करके मतदान कराया जाए। अब मतदान केंद्रों पर पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए अभी से गोले बना दिए गए हैं, मास्क की व्यवस्था कराई गई है, सैनिटाइजर की हर सेंटर